एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्य नेता चुने गए। कार्यकारिणी की बैठक में फैसला उन्हें पार्टी चीफ नहीं कहा जाएगा। शिवसेना का नाम और निशान मिलने के बाद मंगलवार को शिवसेना शिंदे गुट कार्यकारिणी की पहली बैठक हुई। बैठक में एकनाथ शिंदे को शिवसेना का मुख्य नेता चुना गया। उन्हें पार्टी से जुड़े अहम फैसले लेने के अधिकार होंगे। हालांकि उन्हें शिवसेना प्रमुख नहीं कहा गया है। इसके क्या मायने हैं, यह सभी पार्टी की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज फिर कहा कि हमें कोई संपत्ति नहीं चाहिए और हम कोई दावा नहीं करने वाले हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री उदय सामंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। बैठक में ये प्रस्ताव हुए पास। वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाए, मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिले, स्थानीय भूमि पुत्रों को नौकरी में 80% स्थान दिया जाए, चर्च गेट रेलवे स्टेशन को चिंतामन राव देशमुख का नाम दिया जाए, पार्टी के खिलाफ काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने 3 सदस्यीय समिति बनेगी, दादा भूसे समिति के अध्यक्ष होंगे, एमपीएससी और यूपीएससी परीक्षा के लिए मराठी छात्रों को कोचिंग देगी सरकार। उधर शिवसेना का नाम और निशान छीने जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई नहीं हुई। इस पर उद्धव के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में इस मामले की जल्द सुनवाई करने के लिए कहा। उन्होंने दलील दी कि उद्धव गुट के असेंबली ऑफिस पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है, अगर कोर्ट से स्टे नहीं मिला तो शिंदे गुट ऑफिस और बैंक अकाउंट भी छीन लेगा। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अदालत ने उन्हें मंगलवार को याचिका दाखिल करने के लिए कहा। मंगलवार को जब उद्धव के वकील सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने कहा कि बुधवार को संविधान पीठ में एक मामले की सुनवाई खत्म होने के बाद यह मामला सुनेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट बुधवार को दोपहर 3:30 बजे इस केस की सुनवाई करेगा। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा के बाद अब सांसद का शिवसेना दफ्तर भी शिंदे गुट को दे दिया गया है। लोकसभा सचिव ने पत्र के जरिए इसकी जानकारी दी। इससे पहले शिंदे गुट ने मंगलवार को महाराष्ट्र असेंबली में बने शिवसेना के ऑफिस को अपने अधिकार में ले लिया था।